हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी 56 वर्षीय सिमी अग्निहोत्री का आकस्मिक निधन हो गया है। सिमी अग्निहोत्री का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ शनिवार दोपहर मोक्ष धाम गोंदपुर जयचंद में किया गया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बेटी आस्था के साथ पत्नी सिमी अग्निहोत्री की चिता को मुखाग्नि दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल, अनिरुद्ध सिंह, यादविंदर गोमा, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर सहित सैकड़ों लोगों ने सिमी अग्निहोत्री को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को गले लगाकर ढांढस बंधाया और उनकी बेटी आस्था को भी सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने सिमी अग्निहोत्री की अर्थी को कंधा भी दिया। बता दें कि ऊना जिला के गोंदपुर जयचंद में अपने निवास आस्था कुंज पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी सिमी अग्निहोत्री की शुक्रवार देर शाम तबीयत खराब हो गई। उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। उन्हें चिकित्सीय सहायता के बाद रात को चंडीगढ़ ले जाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। 12 फरवरी को उन्होंने हरोली क्षेत्र के बाथू में माता का जागरण रखा है, जिसकी तैयारियां सिमी अग्निहोत्री स्वयं कर रही थी और सभी व्यवस्था खुद देख रही थी। सिमी अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री भी जागरण के लिए विशेष रूप से 2 दिन पहले ही नीदरलैंड से वापस घर लौटी थी। सिमी अग्निहोत्री यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थी। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।